मासूम साहबान जब इन्होंने बांधा हुआ था मोहम्मद असलम को, तो उस वक्त एक ट्रेन गुजरी और उस वक्त उन्होंने बाकायदा ट्रेन पास करवाई, जिस तरह एक फाटक मैन ट्रेन पास करवाता है। ये मोहम्मद असलम अपनी जबानी सुनाएगा। तो बाद खटड़े दे मुंदा सुमई खड़िया क्या नाल बदया जी हां सारे नाले काट दे सारा सब बत दूजे भाई होनी एक जीशान आई एक मोहम्मद साजिद नाम का बंदा आई वो सर उन्होंने को बात दे ना उन्हें हाथ पीछे बदे हो यार। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं खानपुर के साथ चार चक वाले रेलवे फाटक पर। आप हैरान होंगे मैं इस वक्त फाटक पर क्या रहा हूँ। इस फाटक पर दो तीन रातों पहले एक अनोखी सी वारदात हुई है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ डाकुओं ने रोड ब्लॉक करके किसी दरख्त का तना गिरा कर या कोई ईंटें वगैरह रख कर राहगीरों को आते जाते लूटा है, मगर ये बात आपने पहली दफ़ा आप सुन रहे होंगे कि डाकुओं ने बाकायदा फाटक पर नाका लगाया, फाटक बंद किया, फाटक मैन को बांधकर एक जाने बिठाया और उसके बाद आने जाने वाले राहगीरों से लूटमार करते रहे। उन्होंने तीन या चार अफराद से मोटरसाइकिल, मोबाइल, नकदी भी छीनी और इस दौरान जो मोहम्मद असलम हैं जो मुतासिर हुए हैं सबसे ज़्यादा जो रेलवे मुलाजिम हैं फाटक मैन हैं, मैं उनकी बात क्योंकि जो अहवाल एक मुतासरा फरीक दे सकता है वो मैं नहीं अदा कर सकता। मैं चाहूँगा कि आपकी बात मैं मोहम्मद असलम फाटक मैन 96 जो है रेलवे का उनसे बात कराऊँ कि ये हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सर, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है मैं सराइकी में बात करूँगा तो आपको भी समझ आएगी और मोहम्मद असलम ज़्यादा बेहतर अंदाज से मेरी बात समझेगा। तो अनल क्या बकवास है? असम नहीं था एन त्रै डाकू हैं, त्रै डू अंदर आ गए, अंदर आते मेरे को बाद भी लेने, उन्होंने बाहर एक खड़ा रह गया, एक ने राइफल आई, एक ने पिस्तौल आ वाला, जितने साइकिल मोटर वाले आ गए वाले उन्होंने बदिए ने उन्होंने बाद अंदर गए उन्होंने साइकिल मोटर खसे ने वाल ब्याह एक डिप्टी दे मेरा ब्याह फाटक से उन्हें कनू साइकिल मोटर खसे ने उन्हें मोबाइल खसे ने चार मोबाइल हैं खास तो चार गए मोबाइल चार मोबाइल हैं मेरा मोबाइल भी है मे भी है पैसे हैं तो जी पैसे भी हैं। अच्छा ओ जे राहगीर उन्होंने दे मोटरसाइकिल दो वन एक डिप्टी दे मेरा प्या एक जे राहगीर गुजरदा प्या जी और तुम्हारे पैसे चुके हैं सारे कने 2000 रुपए गरीब आदमी की 2000 ही ढेर होंगे जिमें आदन कबीली कि शमदन की मार काफ़ी होंगी है तो गरीब आदमी फाटक मैन होते कि 2000 भी काफ़ी हैं तो तक बदया अस कपड़े नाल बदया कपड़ा इतने प्या कितनी देर तकरीबन आधा घंटा रह गया आधा घंटा जी आधा घंटा इन दौरान तुसा कहीं कोई फोन वगैरह मोबाइल पहले पहले आते मोबाइल गए नहीं दान अच्छा कोई शनाख्त कोई जबान नहीं नहीं पंजाबी बोलने हैं यानी कि आपने इलाके ना ना इलाके नहीं पंजाबी भी फर्क होती है ना बाज़ औक़ात जांगली जी होंगे नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प बात है वो मोहम्मद असलम अपनी ज़बानी भी बताएगा मगर मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात थी कि डाकू साहबान जब इन्होंने बांधा हुआ था मोहम्मद असलम को तो उस वक्त एक ट्रेन गुजरी और उस वक्त उन्होंने बाकायदा ट्रेन पास करवाई जिस तरह एक फाटक मैन ट्रेन पास करवाता है। ये मोहम्मद असलम अपनी जबानी सुनाएगा तो ज़्यादा आपको लुत्फ आएगा। वो किमें थे आप जी सारे से हाथ बात नहीं था सबको हाथ बात थे जरा उन्होंने अंदर बिलाई था उन्होंने गाड़ी एक ये डाउन दी जरिए गाड़ी उन्होंने यह की है पास खुद की है गेट खुद बंद किए ने जल्द लुटेंदे रह गए वाले गेट बंद करते लुटेंदे रह गए। अच्छा वो जी गाड़ी को बत्ती दिखी दी है जी उन्होंने वो भी दिखाई है बत्ती भी दिखाई है तो दिखाया नहीं बत्ती जरा उन्होंने उत्ते तले की है उन्होंने वाला उन्होंने एक बंदा उन्होंने आखिर सावी दिखाओ सावी वाला उन्होंने दिखाई है सावी बत्ती इतना खड़े हो कराची ट्रेन केड़ी मालगाड़ी मालगाड़ी है। नाजरीन ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल थी कि डाकू माशाल्लाह इतने ट्रेंड थे कि उन्होंने बाकायदा फाटक मैन की ड्यूटी अदा की। रात 10 साढ़े नाल मेरा करीबी घर है ठीक है जब भी हूँ फाटक असारी वस्ती समझती है भी फाटक की वजह तू असा महफूज है से वह खुद हूँ हूं को लुटन पै गए पता हूँ अगे तो क्या बड़ा खौफ महसूस थे हूँ। लुटने वाले जो मुतासर लोग थे उनमें से एक और साथी हैं ये भी फाटक मैन है मलिक महिवाल इनका नाम है इनसे भी सुनते हैं कि उस रात इनके साथ क्या बीती। अच्छा मैं जिम्मे 4 96 फाटक तो उत्ते आया ना सर हूँ तो दो अफराद एक गेट बंद की खड़ाई थोड़ा जा खोली खड़े गेट एक बंदा हूँ बिल्कुल सामने खड़ा तकरीबन 1.5 फुट के फासले से
जरा तीजा बंदा है वो लाइन के खड़ा है कोठी के सैड तू। अच्छा उस बाद मेरे को सर गेट से बंद करते इशारा किए ने, मैं जिमें रुकया ना सर, मेरे को रुकने के बावजूद उन्हें मेरे तेना आवन पिस्टल रख छोड़े। ठीक है, उन्हें अगर खबरदार अगर कोई इशारी या कोई चलाकी की तो इतने कोई फैर मारे सर। अच्छा थले लो मैं उन्हें कोई जबान जी उन्हें सर उन्हें बिल्कुल जो है ना पंजाबी जबान है जिमें जंगली जबान होती है ना सर पंजाबी प्योर इवें सर पंजाबी जबान है उन्होंने। उन्होंने एक गल की उन्हें आगे अंदर जुलते को सर दसू जे टाइम मैं अंदर गया ना सर जी जरा गेट कीपर है मुहम्मद असलम उनको बाद खटड़े के उत्ते मुंदा सुमई खड़िया। दूजे भाई होनी एक जीशान आई एक मुहम्मद साजिद नाँ का बंदा आई वो सर उन्होंने को बाद ना उन्हें हाथ पिछू बदे हुए हैं उसी भी उन्हें नाल वाते मेरे कोई बात नहीं क्या नाल बदे वो सारा सारे नाले काटते ना सबको बदा है जरा गेट कीपर है मुहम्मद असलम वो सर रुमाले नाल बदा है मुफरल नहीं होता जिमें सर। बाकी वाले जो भाई होनी हैं उन्हें मोबाइल जो खसे ने उन्होंने सिमा काट दी गई मेरी सिम मोबाइल के जी। नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं और यकीन है एस एच ओ सदर साहब भी हमारी बात सुन रहे होंगे, इनका मुतालबा भी है और जायज़ मुतालबा भी है कि गरीब आदमी की कुल कायनात कुल जमा पूंजी इनका एक मोटरसाइकिल था वो भी डाकुओं ने लूट लिया। तो सही शबीर जोलर साहब इन गरीब का मोटरसाइकिल करवाओ ऐसा मुतालबा करें तू जो इतनी कर कोई इंतजाम किया वे सिक्योरिटी का हुकूमत को जल्द अज जल्द उन्हें को पकड़न जड़े हैं और मिलते हैं हम आपको अगली किसी वीडियो में। हमारी वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे हम आपको ऐसी खानपुर के हाल अहवाल जो भी होंगे वो सियासी होंगे समाजी होंगे कानूनी होंगे कारोबारी होंगे आपको आगाह करते रहेंगे। खानपुर में एक संगीन वारदात हुई है इसमें हम पुरजोर मुतालबा करेंगे रेलवे हुकाम को भी और पुलिस के आला हुकाम को भी कि ये गरीब और सफेद पोश लोग हैं इनकी डकैती फौरी तौर पर रिकवरी की जाए और मुल्ज़िम मान को गिरफ्तार किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, देखते रहिए Q1 TV।